एक रागनी और होनी चाहिए नरसी के बात से। देखो देखो भाइयों, नरसी के बात से, नरसी के देखो एक बात सुनो। अरे भाई मेरी हाथ जोड़ के सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि भाई शांति का दान दें। बताओ तू भी बैठ जा। भाइयों एक बात है, अरे ओ कौन है चिक चिक कर रहा है पिटेगा। तो देखो आज नोएडा में हमारे कितने धन्य भाग हैं कि हमारे बीच में मास्टर ब्रह्मपाल सिंह नागर, सतपाल सिंह दोसा, ऋषिपाल सिंह खदाना, चौधरी बल्ला सिंह साहेबवाद और पंडित रामोतार छतरीवाला और शिरोमणि पंडित स्वर्गीय श्री रघुनाथ जी के शिष्य मास्टर पंडित राम कुमार जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। तो दोस्तों आपकी फरमाइश जरूर पूरी होगी और नरसी के भात की रागनी मास्टर राम कुमार जी, पब्लिक आपसे नरसी के भात की रागनी सुनना चाह रही है और आइए पब्लिक का मनोरंजन कीजिए। हाँ तो मेहरबानों, ये बात नरसी के भात में से हरनंदी से भात नोतने के लिए कहते हैं। हरनंदी अपने बाप का ब्योत बिगड़ा हुआ सब ब्योत जानकर मना कर देती है भात नोतने से। सुन के भाई सुन के, अंत में नायके को एक चिट्ठी लेके भेजते हैं जूनागढ़ में मनसामल। चिट्ठी लेके पहुंचता है जूनागढ़ में, वहां जाके पूछता है भाई कोई नरसी रहता है यहां नरसी सेठ। तो लोग बाग यूं कहते हैं केवल नरसी सेठ पहले था, अब तो नरसी भगत कह दे तो अच्छा है। चलो भाई नरसी भगत कह देंगे आखिर मुझे कहां मिलेगा। इस गांव से बाहर एक टूटी सी झोपड़ी है उसकी, और जहां तुझे पांच चार मोढ़े बैठे हुए मिल जाना तो न्यू समझ लिया वहां नरसी। पहुंच गया वहां, नरसी जी बैठे हुए थे, राम राम करी। कहां से आए हो भैया? मैं तो सिरसागढ़ से आया हूं। तुम्हारी लड़की हरनंदी ब्याही है ना वहां? हाँ ब्याही, उसकी लड़की की शादी है और भात की ये चिट्ठी लेके मैं आया हूं। जब भात की चिट्ठी का नाम सुनते हैं नरसी जी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों कहा है कि एक तुम ही क्या गए हो, एक तुम ही क्या गए हो मेरे आकर करीब से, दामन बचा के चलती है दुनिया गरीब से। नरसी जी हाथ जोड़कर दीन भाव से उस कासिद से इस बात के द्वारा क्या कहने लगे बला। अरे चिट्ठी लेके तू कासिद आ गया, तेरे विदा करण ने माल नहीं और रोटी तका थोड़ा से मेरे घर में आटा दाल नहीं। चिट्ठी लेके कासिद आ गया, विदा करण में माल नहीं, रोटी तका थोड़ा से मेरे घर में आटा दाल नहीं। चिट्ठी लेके कासिद आ गया, विदा करण में माल नहीं, रोटी तका थोड़ा से मेरे घर में आटा दाल नहीं। चिट्ठी लेके कासिद आ गया। दो चार घरों से मुलिया बाई भिक्षा करके लाती है, दो मेरी और दो अपनी वा रोटी चार बनाती है। मेरे हिस्से की मुझको देके फिर पाछे
से खाती है कभी कभी तो भूख प्यास में यूं ही समय कट जाती है। सच पूछे तो तेरे आगे इसमें कोई मेरी चाल नहीं। रोटी तका थोड़ा से मेरे घर में आटा दाल नहीं। चिट्ठी लेके काशी दिया गया विदा करण ने माल नहीं। रोटी तका सोचने लगे नरसी जी मन ही मन में, मेरी लड़की की ससुराल से ये नाई आया है, इसे भोजन भी खिलाना है, लेकिन भोजन खिलाने का तो ज्योत नहीं है नरसी जी का। कंगाली में कवि के ख्याल है दोस्तों, कंगाली में इंसान की रूह बिगड़ जाती है, यारे प्यारे रिश्तेदार भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, और भोजन जिमाने के लिए उस काशिद से क्या कहने लगे भला नरसी। और कैसे तुम्हें ओ कैसे तुम्हें जिमाऊं भोजन, पैसा तक भी पास नहीं। दो चुकती चूने उधारा मिल जा यो भी कोई विश्वास नहीं। जो मुंडिया बाई कर भिक्षा ला दे या भी दिखे आस नहीं। रे हम खबर के खाने वाले मारे लोटा और गिलास नहीं। तेरा नेग निमटावन में नया लोटा और थाल नहीं। रोटी तका थोड़ा से मेरे घर में आटा दाल नहीं। चिट्ठी लेके अगली बात में नरसी जी हाथ जोड़ के उस नायिके से यूं कहने लगे कि तुम 2 मिनट के लिए यहीं बैठो और मैं जंगल में जाता हूं, तुम्हारे खाने के लिए कोई ना कोई मताव पाता हूं। क्या कहने लगे भला। और तुम बैठो ओए तुम बैठो यहीं पे नरसी, तुम बैठो यहीं पे कासिद, मैं जंगल को जाता हूँ। तेरे लिए कुछ अपने मन में कोई मतायु पाता हूँ। श्री कृष्ण कौम भक्त हूँ सच्चा, अन्न दिया उन्हीं का खाता हूँ। रे पथवा तोड़ उबाड़ के लाऊं अभी मैं तुम्हें जिमाता हूँ। सच पूछे तो इस दुनिया में कोई मुझ जैसा कंगाल नहीं। रोटी तका थोड़ा सा मेरे घर में आटा दाल नहीं। इस तरह से समझा के कासिद को जंगल में पथवा लेने के लिए चले जाते हैं नरसी जी, और चलते चलते भगवान कृष्ण में लीन है कि हे भगवान कृष्ण अब तुम्हें ही मेरी लाज बचानी हो। दोस्तों सिंहासन डोल जाता है कृष्ण भगवान का, खाना खाने का वक्त है कृष्ण का, रुक्मणी सोने के थाल में भोजन लेके कृष्ण भगवान के सामने खड़ी हुई। एकदम ध्यान लगाते हैं कृष्ण जी कौन से भगत पर भीड़ पड़ी हुई। उस सोने के थाल को भोजन से भरे हुए लेकर के
पलक झपकते ही नरसी जी की झोपड़ी में किस प्रकार पहुंचते हैं, कैसे भला? बथुआ लेने भाई बथुआ लेने नरसी जी फिर चले शहर से बाहर गए। इतने में भोजन लेके आ कृष्ण जी मुरार गए। भगवान भगत के घर आए हो रक्षक कृष्ण मुरार गए। भोजन जिमा दिए विदाम बर्तन कर पूरा सत्कार गए। तेरे अबेरे कमन में मंगल तू करिए यार मलाल नहीं। रोटी तका थोड़ा से मेरे घर में आटा दाल नहीं। चिट्ठी लेके काशी आ जा विदा करण में माल नहीं। रोटी तका थोड़ा से मेरे घर में आटा दाल नहीं। चिट्ठी लेके जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने दो अब आपके सामने दो बेहतरीन सितारे, बेहतरीन कलाकार सतपाल दोसा। जी हाँ, भटनेर में छाए हुए सतपाल दोसा और दूसरे कलाकार हैं मास्टर ब्रह्मपाल। जी हाँ, मास्टर ब्रह्मपाल नागर बरोला। तो आपके सामने ये पहली रागनी पेश कर रहे हैं, दूचस्मी रागनी है और रागनी है पूर्णमल के इतिहास में। जी हाँ, योगी वेश में पहुंच जाते हैं पूर्णमल सुंदरादे के दरवाजे पर। योगी का भेष देखकर मंत्र मुग्ध हो जाती है, कामुक भावना में रंग जाती है सुंदरादे। आध्यात्मिक विचारों में रंगा हुआ वो जोगी पूर्णमल क्या जवाब देता है और सुंदरादे कामुक रंग में रंगी हुई हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि इस झोड़ी को फेंक दे और तू मेरा राजा बन जा, मुझे अपनी रानी बना ले। किस तरीके से सवाल जवाब है दोनों के। दोस्तों, इश्क के मरीज को क्या कभी नींद आती है? करवटें लेते हुए रात गुजर जाती है। दोनों के सवाल जवाब हैं किस प्रकार। अरे तन राज पाट और बहू मिले मन साधु तंग करे ना कोई सुतरा राज कुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। तन राज पाट और बहू मिले मन साधु तंग करे ना कोई सुतरा राज कुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। हुकम चला शासन पे मेरा दो रोटी का चून सबर करूं थोड़े से राशन पे। और मैं तेरे चरण दबाऊं सेठ तू संत के सिंहासन पे मन तीन लोक का राज समझ लिया धरती के आसन पे।
मेरा धरती के आसन पे, अरे मेहर करो सत्यानासन पे, मेहर करो सत्यानासन पे, न्यारे रंग भरे ना ए गऊ ब्राह्मण साधु गला कदे व्यंग करे नारतन राज पाठ और बहु मिले मने साधु तंग करे ना तेरी शानी का के करना जे बिल कड़े गया के करना जे बिल कड़े गया इन आख्या के पानी का अरे मैं तेरी सेवा ठाऊंगी तू राजा बन रानी का मन तेरे नगर मेरे तेरे नगर मेरी तेरे नगर में बसम करे डर गुरु गोरख जानी का मन तेरे नगर में बसम करे डर गुरु गोरख जानी का अरे इंदर होके इंद्राणी का भला इंदर होके इंद्राणी का क्यों सत्संग करे ना जी का सौदा हो से तू घनी तरंग भरे नारे धन राज पाट और बहु मिले मने साधु तंग करे ना कोई ससरा राज कुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना कोई ससरा राज कुमार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना भाई हारे जग सुना लागे तेरे बिन जग सुना लागे सुनी मेरी हवेली तन सत्रे सो जोगी मारे कोई ऐसी बना सहेली मैं पश्चाताप करूं जीवन भर रे पश्चाताप करूं जीवन भर रचवा सात सहतेली मैं कान फड़ा करी कान फड़ा के जा करवाऊं मूल नहीं एक भेली मैं कान फड़ा के जा करवाऊं मूल नहीं एक भेली मैं भी बन के रह लूं चेली मैं भी बन के रह लूं चेली तू ज्यादा दंग करे ना कोई सुतरा राज कवारे ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना
मन हृदय में पति मान लिया, रे मन हृदय में पति मान लिया, रहूं बनके गोरी ओ मैं भूखा बंगाली, बाबा तू राजा की छोरी। अरे संत कड़े ने जाता है मेरे दिल की करके चोरी, क्यों धूल फेंकरी सूरज पे फिर भी करती हूँ जोरी, क्यों धूल फेंकरी सूरज पे फिर भी करती हूँ जोरी। अरे तेरे हाथ में मेरी डोरी, तेरे हाथ में मेरी डोरी, कटी पतंग करे ना ब्रज पाल सिंह, बैनर पर खा मस्त मलंग करे तन राज पाठ, और बहु मिले मने साधु तंग करे ना, कोई सुधारा रे कवार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे नारी, कोई सुधारा रे कवार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। हाँ भाई दोस्तों, ये दूसरी रागिनी, जी हाँ दूसरी रागिनी भी सतपाल दोसा महाभारत में से सुना रहे हैं। भारी दस दिन का युद्ध हुआ, बड़े बड़े वीरों का आखिर हुआ, पांडव तो रण में जीत गए और कैरों का दिल बेधीर हुआ। बरछी भाले तीर तेग तलवार मारते जाते हैं, पांडव तो रण में जीत रहे और कैरो हारते जाते हैं। अपनी हार को देखकर व्याकुल हो जाते हैं दुर्योधन, क्रोध में काफूर वो प्रतापी राजा दुर्योधन भीष्म और द्रोणाचार्य को इस बात के द्वारा क्या कहने लगा वो? तुमसे जंग नहीं होता, द्रोणा भी सम बुढ़े हो गए, तुमसे जंग नहीं होता। उदय का राजा हूँ मेरा कहना भंग नहीं होता, द्रोणा भी सम बुढ़े हो गए, तुमसे एक रथ पे खड़ी लुगाई है तुम अर्जुन जिसे बताते हो, एक रथ पे खड़ी लुगाई है तुम अर्जुन जिसे बताते हो, और सारी दुनिया जाने है तुम नमक हमारा खाते हो, वक्त पड़े पैरे धोखा देना रण से पीठ दिखाते हो, वक्त पड़े पैर धोखा देना रण से पीठ दिखाते हो, और गुण पांडव के गाते हो, गुण पांडव के गाते हो, कोई ऐसा नंग नहीं होता, दोड़ा भी समय बूढ़े हो गए तुमसे जंग नहीं होता।
अंदर तुम कैसे आज बहन लागे चिने किले बिन आंधी आज ढेण लागे प्रकार क्रोध में काफूर दुर्योधन 10-11 दिन का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हो चुका है। क्रोध में व्याकुल है और सहदेव की वो भविष्यवाणी उसके दिल और दिमाग का झकझोर रही है क्या कि 18वें दिन तू जरूर मारा जाएगा। फिर क्रोध में क्या कहने लगे बला हो तुम बुढ़े अभी जाग जाओ तेरे कोने भूल में सोते हो तुम बुढ़े अभी जाग जाओ। धनुष बाण जो थारे पे उन्हें खाके कसम त्याग जाओ तुम्हें वो ही हंसा दिख रहा हंसों में चले काग जाओ एक कली के बाद ऋषिपाल खदाना तैयार रहे बहुत अच्छे भाई। ओ भाई क्या बताया। अरे मेरे दुश्मन की करे बड़ाई मानस नायक ढेले का हथियार गेर बूढ़े बाबा आज होगा जंग अकेले का हथियार गेर बूढ़े बाबा आज होगा जंग अकेले का। अरे इकला तेरे राज करता है बियाबान बने बेले का
गोरी शंकर कैलासी मालिक दुनिया के मेले का। गोरी शंकर कैलासी मालिक दुनिया के मेले का। पीरू गुरु यारे चेले का, पीरू गुरु यारे चेले का, कद नारा अंग नहीं होता। द्रोणा भी समर बूढ़े हो गए तुमसे जंग नहीं होता। द्रोणा भी समय बूढ़े हो गए। अब ऋषिपाल खदाना, जी हाँ ऋषिपाल खदाना एकदम आ रहे हैं स्टेज पे। दोस्तों देखो भीड़ ज्यादा है, इसलिए अगर आप आवाज करेंगे तो मजा नहीं आएगा। फिर के राउंड में सुनवाएंगे, फिर के राउंड में सतपाल की। हाँ जी क्या बात है, ऋषिपाल जी अब आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ वो सिंगर होता है भैया, जब कुछ था भी तो इसका मार जाए का। कई जगह ने जुलम कर दिया बिल्कुल। नहीं नहीं भैया बुलंद सर जिले की नाक है यो। तो भाई बने वाला तो मास्टर जी ऋषिपाल ही बढ़िया है। सतपाल तो बढ़िया था ही, पर कम ऋषिपाल भी नहीं है। जिला बुलंद सर का हीरो है। आदरणीय बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए सभी सज्जन साहबान, कमेटी के फैसले और आदेश के अनुसार जो दो रागनियां हैं उन्हें मैं सुनाने जा रहा हूं। देखिए पहली उस मौके की रागनी है कि जब पन्नाधाय अपने बेटे चंदन को उदय सिंह वाले पलंग पर सुला देती है। मेहरबानो तो किस तरह से उसको दरा दाता है कि आज मेरा इकलौता पुत्र चंदन उदय सिंह के बदले इस राजपूत नाम की फुलवाड़ी की आड़ में कत्ल हो जाएगा। भला कैसे, और मैं बनगी बे दर्द सरपनी भाई खुद बेटे ने खाती इस उदय सिंह के बदले चंदन तेरा खून कराती। के गम की बात कहती है दर्द में, नौ मास गर्भ में रखा था मन पेट फाड़ के जाया जिस दिन तेरा जन्म होया महला में हर्ष मनाया। जिस दिन तेरा जन्म होया महलों में हर्ष मनाया। घने लाड चाबते जाते मन अपनी गोद खिलाया।
जान बूझ के अंगारों की सेज प्यार सुलाया ये रखोटा वक्त लिखा लाया मेरी कोल मेरी कोल्या पार बसाती बदले चंदन तेरा कोल चराती मैं बन की वे दर दर अपनी खुद बेचे मैं चंदन मैंने वायदा किया है तेरे पालन पोषण का इस राजपूत धर्म की मैंने कसम खाई और राजपूतों का नमक भी खाया है बच्चे तेरा लहू इस राजपूत वंश के काम आएगा ये तेरी माँ आज तुझे कत्ल करा रही है अपने हाथ का नहीं भूखा सो गया भरी नींद में नहीं उठेगा छैया भूखा सो गया भरी नींद में नहीं उठेगा छैया तेरी जिंदगी होगी बच जागा पड़ी भमर में नैया पेस चलेगी पेस चलेगी ना मेरी कोई दिखे नहीं खिबैया पेस चलेगी ना मेरी कोई दिखे नहीं खिबैया यार मौत की सैया बिछी लाल तले मौत की सैया बिछी लाल तले तेरी मौत बुलाती मेरे साथियों सर से कफल बांधती है कहन लगी बेटे चंदन मेरे लाल एक बार तेरी सूरत तो देखो अपनी आंखों से तेरे सर से कफल बांधू तो लौट के वापिस नहीं आएगा मिलने दिखा सूरत तेरा बांधू कफन सर से नहीं बचेगा लाल मेरे उस जालिम के खंजर से नहीं बचेगा लाल मेरे उस जालिम के खंजर से मैं कैसे धीरज बांधू उठती मोह की झाड़ जिगर से बज्जर का दिल करके बैठी पन्ना सबर से आजरे बज्जर का दिल करके बैठी पन्ना सबर से फिकर तकंपित गात पुत्र तेरे फिकर तकंपित गात पुत्र तेरे बेबस हुए चंदन मैंने वायदा किया है धरती के टुकड़े हो जाए नक्षत्र पड़े पत्थर पानी में तैरने लगे लेकिन पन्ना का ये संकल्प खाली नहीं जाएगा चंदन तेरा कौन कराती सिंह के
बादले चंदन तेरा कौन कराचे। सुनो भाई आखिरी गली सुनने लाके इस रागनी की। ओए किस्मा का दिल ना हिलता, किस्मा का दिल ना हिलता, बेटे की आग देख के कैसे सबर करे पन्ना, खुद उजड़ बाग देखे आजरे कैसे सबर करे पन्ना, खुद उजड़ बाग देखे के। एक मौत तलक भी रोती होगी भाई का त्याग देख के ऋषि पाल में है फिल रोबे दर्दीला राग देख के। आज ऋषि पाल में है फिल रोबे दर्दीला राग देख के। तेरा बोदा भाग देख के बेटे तेरा मेरी फाट छाती मारे उदय सिख से बदले चंदन तेरा खून कराते। से उदय सिंह से बदले चंदन तेरा खून कराते। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। वाह भाई सतपाल बहुत बढ़िया रागनी आपके, बहुत बढ़िया रागनी। तो मेहरबान सतपाल खदाना की आवाज में भाई। दूसरी रागनी आपको रागनी में विशेष फरमाइश पर राजा मानसिंह का दिन दहाड़े कत्ल, मौके की रागनी होगी। 21 फरवरी की ये घटना है दोस्तों। 21 फरवरी को राजा मानसिंह अपनी जीप लेकर के हरी सिंह सुमेर सिंह और अपने दामाद विजय सिंह को लेकर के किस तरह से मेहरबानों गुजर रहे थे, सुनिए। डीग मंडी का किस्सा था। एक भीड़ लगी बड़ी भारी, आड़ी तिरछी खड़ी गाड़िया थी कोई गादारी, थी कोई गादारी। शेर को घेरने के लिए बड़ा भारी बंदोबस्त किया गया। 11:30 बजे का वक्त था। साढ़े ग्यारह बजे मान सिंह दौरा करके आए, ट्रैफिक जाम मिला मंडी में, चारों ओड़ लखाए, चारों ओड़ लखाए। भला जान बूझ के ही जैसे ये ट्रैफिक जाम कराए, फोन लग्या भास मान सिंह मन ही मन पछताए, मन ही मन पछताए। ओ कर्ण सिंह भाटी डीएसपी
खरल चलया से खारी आरी तिरछी गाड़ी जब पाछे करनी चाही डीएसपी तबूज पुलिस ने गोली तुरंत चलाई अरे गोली तुरंत चलाई और पहिए पंचर किए नीच बने गे बेदर्द कसाई गिर गया सिर पिंजड़े में धोखे ते चोट कराई धोखे ते दुष्टों की मारी आड़ी तिरछी खड़ी गाड़िया की कोई मेरे दोस्तों राजा मान सिंह के जितने साथी थे जीप को पहिए पंचर कर दिया मेहरबानों और राजा मान सिंह को भाई क्यों कर पंचर हो गया दुनिया से जुदा कर दिया। ये पुलिस वालों की बहुत गहरी चाल थी। असली कातिल कान सिंह पापी डीएसपी था। मान सिंह किए प्राणहीन मान सिंह किए प्राणहीन पीड़ित हुए घायल साथी कर दिया जुलम पुलिस वालों ने बात कही ना जाती भाई मेरे रे बात कही ना जाती हरी सिंह सुमेर सिंह की दी दहलाई छती विजय सिंह बच गए बनया था उनका राम हिमाती आज भरतपुर बाड़ों की ओ भई आज भरतपुर बाड़ों की सब उजड़ गई फुलवारी आड़ी तिरछी खड़ी गाड़िया जी कोई गद्दारी मेरे मेहमान साथियों ये शेर था घिरने वाला नहीं था लेकिन एक बहुत बड़ा घेरा बना दिया। आड़ी तिरछे वाहन मोटरसाइकिल कार जीप ट्रैक्टर ट्रक बस इस तरह से एक तिल भर की जगह नहीं थी मेरे मेहरबानों कैसे निकलता और सबको हिरासत में ले लिया पुलिस ने। और थाने लेके चली पुलिस ओ ओ भई थाने लेके चली पुलिस वीरों ने आज सनाकत में चंदन सिंह नवाब सिंह बाबू सिंह लिए हिरासत में बाबू सिंह लिए हिरासत में विजय सिंह पे मार बजाई जान गिर दैया फत में आज भरतपुर बाड़ों की छाया से सोग रियासत में छाया से ऋषि पाल सिंह तेरे मत में ऋषि पाल सिंह तेरे मत में यो तथी पहली तैयारी आड़ी तिरछी खड़ी ग
तुरसी खड़ी गाड़िया की कोई गद्दारी की कोई गद्दारी। हाँ भाई दोस्तों, अब आपके सामने एक एक बेहतरीन भजन लेकर आ रहे हैं पब्लिक की फरमाइश पर। हाँ जी, मास्टर ब्रह्मपाल सिंह नागर बरोला। जी हाँ, मास्टर ब्रह्मपाल सिंह नागर बरोला। प्रेमियों, कमेटी के आदेशानुसार एक भजन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और इस भजन में कोई बुजुर्ग दिल्ली में आकर पूछता है कि भाइयों ये बताइए कि इस दिल्ली में क्या क्या चीजें बिकती हैं। तो संयोग से जिन से पूछी गई थी ये बात, वो हमारे दादा गुरु पंडित रामरतन से। तो उन्होंने उस बुजुर्ग को दिल्ली में बिकने वाली चीजें किस तरह से बताई। दिल्ली दीप हो, देश का दिल दर म्यान बेकने वाले हैं। चौके चांदनी पैठ लगी सा मान बेकने वाले हैं। दिल्ली दीप देश का दिल दर मान बेकने वाले हैं। चौके चांदनी पैठ लगी सा मान बेकने वाले हैं। चौके चांदनी पैठ लगी सा मान बेकने वाले हैं। यहाँ चमके चांदनी चांदी के टुकड़ों में मानस जून बिके। उल्टे को सीधा कर दे दर पैसों में कानून बिके। उल्टे को सीधा कर दे रे पैसों में कानून बिके। छुरे मार के पैसे चाहिए न्यू मानस का खून बिके। होटल क्लब रेस्टोरां में तिरियों का मस्त जनून बिके। होटल क्लब रेस्टोरां में तिरियों का मस्त जनून बिके। संसद का टिकट सकून बिके प्रधान बेकने वाले हैं। चौक चांदनी मुख्यमंत्री की सीट बिके और मारपीट बिके थाने में। मुख्यमंत्री की सीट बिके और मारपीट बिके थाने में। यार कार व्यापार बिके रोजगार नौकरी लाने में। या बिके और भाव बिके जज घूस ले नजराने में। बिके और भाव टीचर एग्जाम कराने में मचान बेकने वाले हैं। जो चांदनी पेट लगी सान बेचने वाले हैं। अरे चौक चांदनी पेट लगी सामान बेचने वाले हैं। दिल्ली दीप देश का दिल दरम्यान बेकने वाले हैं। चौक चांदनी पेट लगी
सरकारी में भी असल दवा लो लाट बिके, नकल मरीजों को मिलती झूठे मरीजों की काट बिके, नकल मरीजों को मिलती झूठे मरीजों की काट बिके। गरीब फर्श पे पड़े सड़े पैसे वालों को खाट बिके, एक्वायर भूमि हो जा फिर रे कई कई बार प्लॉट बिके, एक्वायर भूमि हो जा फिर रे कई कई बार प्लॉट बिके। सवा रुपए में घाट पे सतनारायण बेकने वाले हैं, चौक चांदनी बैठ लगी सा पंडित जी का जप बिकता है हवन जागरण ध्यान बिके, पंडित जी का जप बिकता है हवन जागरण ध्यान बिके। तेरे पोथी पत्रा देख सनी राहु के तुका दान बिके, झूठे गवाह अदालत ले जा नुहे हलपिया बयान बिके, झूठे गवाह अदालत ले जा। हे राम रतन इंसान तो क्या भगवान बेचने वाले हैं, चौक चांदनी पैठ लगी सा मान बेचने वाले हैं। दिल्ली दी प्रदेश का दरम्यान बेचने वाले हैं, चौक चांदनी पैठ लगी सा मान बेचने वाले, फिर चौक चांदनी पैठ लगी सा। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप कंपटीशन का प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये चंदा कैसेट के निर्माता करा रहे हैं यहाँ नोएडा सेक्टर 11 में। जी हाँ, और इस प्रोग्राम को सुनने का सही श्रेय आपको चंदा कैसेट में मिलेगा। जी हाँ, और इससे आगे की ये हरियाणवी कंपटीशन नोएडा सेक्टर 11 की रागनियां आपको भाग 3 में मिलेंगी।